स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों आज का हमारा मैसेज है सुन्नत से एराज नहीं करना, यानी सुन्नत से मुंह नहीं फेरना। सुन्नत से मुंह नहीं फेरना। स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगी कि सुन्नत क्या है, सुन्नत किसको कहते हैं। सुन्नत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों को सुन्नत कहते हैं कि जो हम नमाज हैं वो हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से ही पढ़ते हैं। हम अपनी मर्जी से तो नमाज नहीं अदा कर सकते ना, इसलिए हम नमाज जो है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके से नमाज अदा करते हैं, यानी उनकी बताई हुई सुन्नत के तरीके से नमाज अदा करते हैं। आज का हमारा मैसेज है सुन्नत से एराज नहीं करना। बच्चों सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम इंग्लिश, क्लास नर्सरी सीनियर, पेज है आज का हमारा 22। टॉपिक में नेम ऑफ पिक्चर्स, नेम ऑफ लेटर्स, कैपिटल वी स्मॉल वी को पढ़ेंगे। रीडिंग होगी, वर्ड्स मीनिंग, ट्रांसलेशन। रिटर्न होमवर्क में लेटर्स सीखेंगे हम कैपिटल वी स्मॉल वी। स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज 22 निकाल लें। स्टार्ट करते हैं हम लेसन पिक्चर्स नेम से। हम तस्वीर के नाम सीखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पिक्चर हमारे पास है बच्चों वेस्ट। स्टूडेंट्स क्या है वेस्ट? बच्चों क्या है वेस्ट? प्यारे बच्चों क्या है जी वेस्ट? वेस्ट को उर्दू में बुनियान कहते हैं। वेस्ट बच्चों फर्स्ट पिक्चर हमारे पास है वेस्ट। वेस्ट को उर्दू में बुनियान कहते हैं। सेकंड पिक्चर हमारे पास है जी वायलन। स्टूडेंट्स वायलन, स्टूडेंट्स क्या है वायलन? वायलन को उर्दू में हम वायलन ही कहेंगे, ये एक बाजा है। स्टूडेंट्स क्या है बाजा? वेस्ट वायलन, वेस्ट वायलन। स्टूडेंट्स आज का हम लेटर रीड करेंगे वी। वी क्या है? एक लेटर है। स्टूडेंट्स वी क्या है? एक लेटर है। कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। वी फॉर वेस्ट, वी फॉर वेस्ट, वी फॉर वेस्ट, वी फॉर वायलन, V for violin, V for violin, V for violin, V for west, V for violin, V for west, V for violin. Students, अब हम words को spelling से read करेंगे। आपने first letter के नीचे अपनी finger रखनी है, फिर आपने वर्ड की रीडिंग करनी स्टार्ट करनी है। वी फॉर वेस्ट, वी ई एस टी वेस्ट, वी फॉर वेस्ट, वी ई एस टी वेस्ट, वी फॉर वेस्ट, वी ई एस टी वेस्ट।
नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, वी फॉर वायलिन, वी आई ओ एल आई एन, वायलिन, वी फॉर वायलिन, वी आई ओ एल आई एन, वायलिन, वी फॉर वायलिन, वी आई ओ एल आई एन, वायलिन। लेसन रिवाइज करते हैं, कैपिटल वी स्मॉल वी, वी फॉर वेस्ट, वी ई एस टी वेस्ट, वी फॉर वेस्ट, वी ई एस टी वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, कैपिटल वी स्मॉल वी, वी फॉर वायलिन, वी आई ओ एल आई एन, वायलिन, वी फॉर वायलिन, वी आई ओ एल आई एन, वायलिन। स्टूडेंट्स, ये हमारा इंग्लिश का लेसन था और हम अपना रिटर्न होमवर्क सीखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश की नोटबुक है, हमने लेटर पढ़ा है वी, कैपिटल वी और स्मॉल वी को हमने आज पढ़ा है और हम आज नोटबुक पर कैपिटल वी और स्मॉल वी को ही लिखेंगे। स्टूडेंट्स, कैपिटल वी फर्स्ट थ्री लाइंस पर लिखा जाएगा, फर्स्ट थ्री लाइंस पर लिखा जाएगा। हम स्टार्ट लेंगे फर्स्ट लाइन से और एक तिरछी लाइन लगाएंगे थर्ड लाइन तक। इसी तरह फिर ऊपर की तरफ सामने की तरफ एक तिरछी लाइन ले जाएंगे ऊपर की तरफ, ये हमारा बन जाएगा कैपिटल वी। स्टूडेंट्स, दोबारा सिखाती हूँ, फर्स्ट लाइन से हमें स्टार्ट लेना है और एक तिरछी लाइन लगानी है आपने थर्ड लाइन तक, और इसी तरह फिर आपने तिरछी लाइन को ऊपर की तरफ ले जाना है, ये हमारा बन जाएगा कैपिटल वी। स्टूडेंट्स, आपने कैपिटल वी को बहुत खूबसूरती से लिखना है और कॉलम को कंप्लीट करना है। अब हम सीखेंगे स्मॉल वी। स्टूडेंट्स, क्या सीखेंगे? स्मॉल वी। स्टूडेंट्स, स्मॉल वी सेंटर वाली टू लाइंस पर लिखा जाएगा। जैसे हमने कैपिटल वी की शेप बनाई है, इसी तरह हम स्मॉल वी की शेप बनाएंगे सेकेंड टू लाइंस के अंदर। सेकेंड लाइन से हम स्टार्ट लेंगे, उसी तरह एक तिरछी लाइन ले जाएंगे नीचे की तरफ थर्ड लाइन तक। थर्ड लाइन से फिर दोबारा हमने स्टार्ट लेना है और ऊपर की तरफ एक तिरछी लाइन ले जाएंगे, ये हमारा बन जाएगा स्मॉल वी। बच्चों, कैपिटल वी और स्मॉल वी में सिर्फ फर्क इतना है कि कैपिटल वी का साइज थोड़ा सा बड़ा है और स्मॉल वी का साइज थोड़ा सा छोटा है। स्टूडेंट्स, यकीनन आपको कैपिटल वी और स्मॉल वी लिखना आ गया होगा और आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।